हाय गाइस, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं। देखिए, मैं मेहंदी कल लगाई हूँ, कैसे लगी है कमेंट करके बताना। तो मैं बताने वाली हूँ कि मैंने होला कल लाया है, तो ये मैंने तोड़ लिया है इसका पूरा छिलका जो है, तो इसका मैंने पूरा टूटे तो आप लोगों को दिखा रही हैं, तो इसलिए मैंने इसको तोड़ के फेंक दिया है। ये कबाड़ बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए मैंने इसको फेंक दिया, निकाल लिया। इसका दाना तो आपको दिखा रही हूँ, तो ये मैंने निकाल लिया है, तो देख सकते हैं ये इतना दान। एक एक किलो मैंने लाई थी, इतना इतना मतलब निकला है ये, इसकी मतलब ठूठी दाना क्या बोलते हैं इसको, तो ये देख सकते हैं। तो मैं इसको कढ़ाई में देखना कैसे मैं भूंजती हूँ, भूंज के होला आपको बना के दिखाती हूँ। तो आप लोग देखिएगा कैसे कैसे मैं क्या क्या करती हूँ। तो पहले मैं गैस ऑन कर लेती हूँ, इसलिए गैस बंद हुई है, तो अब इसको मैं गैस जला लेती हूँ। तो आप भी बनाइएगा, ये मेरी गैस जल चुकी है, तो मैं कढ़ाई रख देती हूँ इसमें। ये लोही कढ़ाई है, तो इसको इसी में डाल दूँगी और एक थाली ले लेती हूँ और एक छन्नी ले लेती हूँ। तो इसको 5 मिनट तक अच्छे से पका लूँगी। तो इसको ऐसे चलाते चलाते रहूँगी और बीच में मतलब कि थोड़ा सा ढाँक दूँगी, पसीज जाएगा ना तो ये जल्दी हो जाएगा, फिर गैस ज़्यादा नहीं खर्च होगी, तो इसलिए। तो अब बताइए आप कैसे हैं। मैं बस बढ़िया हूँ, कमेंट करके बताना। आप लोग भी ऐसे घर में बना के खा सकते हैं होला, हरा होला है तो इसलिए आके आप भी बनाइए और खाइए, टेस्टी लगता है। तो इसको बीच बीच में ऐसे खोल के मतलब ये गर्म हो गया है, तो इसको ऐसे चलाते रहिएगा और इसका हरे होरे का आनंद लीजिए, खाइएगा। पक रहा है ना, देख रहे हैं इतना मतलब स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो अब यहाँ कहीं आग वग जलाने की मतलब वो नहीं है, तो कहाँ जलाएं क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा या ऐसे ही ट्राई करती हूँ, देखती हूँ। तो एक बार और बनाई थी तो बहुत अच्छा लगा था, तो मैं इसलिए फिर ना दोबारा ले आई हूँ, तो इसलिए फिर खाने के अच्छा लगता है ना, इसलिए। देखिए थोड़ा थोड़ा जलने लगा है, तो मैंने ये देखिए फिर ढंग दी थी थोड़ा सा, इसमें फिर थोड़ा भाप भी जाएगा, इससे क्या होगा कि मतलब जल्दी पकेगा, इसलिए मैं इसको पकाती हूँ थोड़ा ढंग ढंग के। काफ़ी पक गया है, देखिए जलने लगा है ना इसका वो छिलका। तो आप भी बनाइए, आप भी खाइए और नमक मिर्चा से खा के इसका स्वादिष्ट स्वादिष्ट आनंद खाइएगा। अब बहुत से लोग सोचते हैं लाए हैं होला कैसे बनाएं, कैसे क्या करें, बहुत करेंगे छील के सब्जी बना लेंगे, बस थोड़ा बहुत कच्चा खा लेंगे, ये नहीं है कि थोड़ा से भून के खाएं अच्छा लगे। तो ऐसे भूंजिए और खाइएगा। अब देखिए कितना जल गया है, बीच में थोड़ा सा गैप कर देती हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ना, थोड़ा टाइम लगता है ना इसको भूनने में भी पकने में।
तो मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना। तो मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और थोड़ा से मेहनत करना है और आप लोग थोड़ा से सहयोग करिएगा, थोड़ा से अच्छा लगता है जो ज़्यादा जिसमें व्यूज जाता है, आते हैं कमेंट आते हैं तो अच्छा लगता है, वीडियो बनाने में भी मन लगता है कि हाँ चलो कोई हमारी वीडियो देखता भी है। और आप लोग जहाँ से देखते हो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो कहाँ कहाँ मेरी वीडियो मतलब जाती है, कहाँ कहाँ से आप लोग देखते हैं। तो ये देखिए इसका छिलका जलेगा ना तभी अंदर मतलब अच्छे से पकेगा। तो कमेंट करके बताना आप लोग कहाँ से हैं भैया, प्लीज आप लोग बताइएगा, थोड़ा कमेंट वमेंट कर दीजिएगा। आप लोग सहयोग करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, 10,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं मेरे, आप ही लोग के उसमें से इतना ज़्यादा मतलब बढ़े हैं आप, थोड़ा सा और बराबर वीडियो भी डालते हैं। ये भी नहीं है कि मतलब कि दो एक दिन डाल दिए दो चार दिन नहीं डालते हैं, वीडियो भी हमेशा बराबर डालते रहते हैं, जो समझ में जो अच्छा लगता है वही डाल देते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ कौन सी वीडियो अच्छी लगती है तो उसी प्रकार की हाँ फिर डालने की कोशिश करेंगे। तो है आप लोगों को एक छील के दिखाते हैं, देखिए कैसे दाना इसमें निकलते हैं, गर्म बहुत ज़्यादा है तो ये देख सकते हैं। पक गया है मतलब अभी थोड़ा कम पका हुआ है, हरा है ना थोड़ा इसलिए टाइम लग रहा है। तो अब ये मेरा हो रहा पक चुका है तो देख सकते हैं, ऐसे ही आपको पकाना है। मैंने एक छील के खा लिया है, दाना अंदर पक गया है मेरा अच्छे से, तो आप भी ऐसे पकाइए और खाइएगा। सही है ना। तो अब मैं गैस इसी पे अब बंद कर रही हूँ, अब इसी पे बिता लेती हूँ। बाय बाय।